नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, पर इस तरीके से नहीं बनाया होगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। काजू, बादाम, पिस्ता, आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, किशमिश, मखाना, कुछ भी आप ले सकते हैं। और भी ज़्यादा अगर डालना चाहें तो और भी ले सकते हैं। दूध, फुल क्रीम दूध है, हमने इसको पकाया नहीं है, कच्चा है। शुगर और ये आधा किलो गाजर। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गाजर को पहले अच्छे से धो करके और छील लिया है, और इसके ये किनारे दोनों तरफ के हमने कट कर दिए हैं। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे घिस करके नहीं बना रहे हैं, इस तरीके से काट करके बना रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाता है आसानी से और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिए हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये हमने कुकर चढ़ा दिया है, क्योंकि हम कुकर में बनाने वाले हैं इस हलवे को। और इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी, और गैस को ऑन कर देंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देंगे। ये हमारा मेल्ट हो गया है, और हम गैस को धीरे कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, मैं इलायची नहीं डालूंगी, तो इसलिए मैं गाजर को ही डायरेक्ट भून रही हूँ इसमें। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से हम इसको भून लेंगे, और इसमें बहुत ही अच्छी सोली सोली खुशबू आती है। बहुत जल्दी बन जाता है गाजर का हलवा, और ठंडियों में तो कितनी भर भर के गाजर आती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस को मंदी रखी हूँ, गैस को तेज नहीं किया है। ये देखिए, ढक्कन लगा देंगे और मंदी गैस पे ही इसको एक सीटी देने देंगे। कुकर को हमने एक सीटी दिलवाया है, और गैस को बंद कर दिया था, और सीटी को अपने आप ही निकलने दिया है। पहले नहीं खोला था, अब खोल करके चेक कर रही हूँ। इसको हम एक बार चला करके चेक कर लेंगे कि हमारी गाजर कितनी पकी है। हाथ से दबा लेंगे, ये देखिए कितनी पक गई है, कैसे मैश हो रही है। अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे, इस तरीके से करछी लेंगे। आप चाहे तो अगर आपके पास मैसर है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। अभी मैं इसमें दूध नहीं डालूंगी। ये देखिए, इतना मैश कर लिया है, पूरा अच्छे से नहीं मैश किया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर हमने पहले नहीं ऐड करी थी, अब करूंगी, और तो थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपने ड्राई फ्रूट। तो हम डाल देंगे पहले काजू, बादाम और ये पिस्ते। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं, आपके घर में जो रखा हो वो ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बन करके तैयार हुआ है। बिल्कुल नहीं लग रहा है कि घिसा हुआ नहीं है, और टेस्ट भी इसका उसी तरीके से आता है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए, ये हमारा गाजर का हलवा पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारा बहुत ही टेस्टी गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।